वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। टीनेज का जो टाइम होता है ना, वो कुछ अलग ही लेवल का सुंदर होता है। चाहे कोई भी चीज़ हो, उस वक्त जो आप मेमोरीज क्रिएट करते हो ना, वो सारी जिंदगी आपको याद रहती हैं। उसके बहुत से रीजन होते हैं। तब आप डेवलप कर रहे हो, तो आपका माइंड भी डेवलप कर रहा होता है, नए फ्रेंड्स आपके बन रहे होते हैं, तो हर चीज एक यादगार सी होती है। कुछ लोगों के लिए तो टीनेज बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, और कुछ के लिए लेके आता है वो बहुत सी प्रॉब्लम, अगर पर्टिकुलरली कहा जाए स्किन प्रॉब्लम्स। बट बात ये आती है कि स्किन प्रॉब्लम्स होती क्यों है। उसका मेन रीजन होता है, उस वक्त आप डेवलप कर रहे हो तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आप पे बहुत सा स्ट्रेस होता है, एग्जाम का स्ट्रेस होता है, फ्रेंड्स का स्ट्रेस होता है, पर्सनल इमेज का स्ट्रेस होता है, तो बहुत सी चीजें होती हैं। कुछ के लिए तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, कुछ के लिए वो बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स लेके आता है, जैसे कि एक्ने ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, डलनेस आ जाती है फेस पे, और उसके अलावा तब वो टाइम ऐसा होता है फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा आपको टॉन्ट मारते हैं, हल्का फुल्का एक्ने का ब्रेकआउट हो जाए। अब बात आती है तो किया क्या जाए। कुछ बेसिक स्किन केयर टिप्स होते हैं, अगर आप वो फॉलो कर लेना, आपकी वो टीनेज वाली स्किन बहुत बढ़िया हो जाएगी। आप कौन से स्किन केयर टिप्स करने चाहिए, वही हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्किन केयर टिप्स फॉर टीनेजर्स। आज की वीडियो में हम ऐसे 8 स्किन केयर टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जो टीनेजर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। एक टीनेज में जो बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे को फेस करनी ही पड़ती है, होती है एक्ने ब्रेकआउट्स की। ये बहुत नॉर्मल है, उस वक्त आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो एक्ने आ ही जाते हैं। अब सबसे जरूरी होता है उसको एक्ने को कैसे क्योर किया जाए। एक चीज जो ध्यान रखना है, आपने एक्ने को कभी भी गलती से टच नहीं करना, और उससे जरूरी बात उसको पॉप नहीं करना। ये एक बहुत होता है कि पॉप करने से एक्ने ठीक हो जाते हैं, बहुत बड़ा मिथ है। आपको अगर एक्ने को आप पॉप कर लेते हो तो वो हाइपर पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो सकता है, और आपको सारी जिंदगी के लिए एक ऐसा निशान छोड़ जाएगा जिसको आप सारी जिंदगी रिग्रेट ही करते रह जाओगे। टिप नंबर 2, जेंटल क्लेंजिंग। ये बहुत से लोग नहीं करते, लोगों को लगता है क्लिंजिंग मिल्क कोई काम का नहीं है, जबकि मेरे हिसाब से क्लिंजिंग मिल्क सबसे जरूरी स्टेप होता है। क्लिंजिंग मिल्क मेक श्योर करता है आपके पोर्स प्रॉपरली क्लिंज हो, पोर्स प्रॉपरली अनक्लॉग्ड हो। अब बात आती है क्लिंजर लेना कौन सा चाहिए। क्लिंजर आपको हमेशा अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अगर आप अपनी स्किन टाइप नहीं जानते, एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर लो, मैं वहां लिंक डाल दूंगा, आपको पता लग जाएगा आपका स्किन टाइप कौन सा है। हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखे नो योर स्किन टाइप के नाम से, आप वहां से अपना स्किन टाइप जान सकते हो, और अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एक क्लिंजर जरूर लो, और उससे प्रॉपरली क्लिंजिंग करो एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे। एक फेस वॉश के बाद भी क्लिंजिंग की जरूरत होती है, उससे आपके पोर्स प्रॉपरली क्लिंज रहते हैं और आपको एक्ने ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम नहीं होती। टिप नंबर 3, जब भी आप घर से बाहर निकले, एक सनस्क्रीन लगाना इज अ मस्ट, ये बात आप बांध लो। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो वो बहुत से नुकसान आपको दे सकता है, जैसे कि सबसे पहली बात तो सन टैन, वो तो है ही, नॉर्मल हो ही जाता है। इसके अलावा सन हमारे को और भी बहुत से नुकसान देता है, जैसे पिगमेंटेशन दे सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपोज रहे सन से तो स्किन कैंसर तक का रीजन बन सकता है, और सनबर्न हो सकता है जो कि आपकी स्किन को बहुत इरिटेट कर सकता है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, घर से बाहर पैर रखने से पहले आपको सनस्क्रीन लगाना है, बहुत ज्यादा जरूरी। और एक चीज जो उसमें खास ध्यान रखना है, सनस्क्रीन आप जब भी लो उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम जरूर देखो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का ये मतलब होता है वो सन में दो तरह की रेज होती है जो आपकी स्किन को डैमेज करती है, यूवी ए रेज और यूवी बी रेज। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली सनस्क्रीन होती है वो आपको दोनों रेज से प्रोटेक्ट करती है। मिनिमम एसपीएफ 30 होना चाहिए, उससे कम बिल्कुल मत लो, वरना लगाना ना लगाना बात एक ही हो जाएगी। टिप नंबर 4, एक्सफोलिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी स्किन के लिए, स्पेशली टीनेज में। वैसे तो सारी जिंदगी जरूरी है, बट टीनेज में खासकर बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका रीजन ये होता है, जो टीनेज होता है ना, तब हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी स्किन ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करती है, और ज्यादा प्रोड्यूस करने से होता क्या है, वो आपके पोर्स में चला जाता है और पोर्स हो जाते हैं क्लॉग। जो एक्सफोलिएशन है ना, ये गेम चेंजर का काम करता है। अगर आप एटलीस्ट वंस इन अ वीक एक्सफोलिएट करें तो आपके पोर्स प्रॉपर्ली क्लींज रहेंगे और बिल्कुल भी क्लॉग नहीं होंगे। टिप नंबर 5, आप मेकअप करते हो, बहुत बढ़िया बात है। मेरे हिसाब से आपको मेकअप करना ही चाहिए, मेकअप आपको बहुत ब्यूटीफुल दिखाता है, आप ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो, बट अगर आप एक और सुंदर वर्जन हो सकता है तो उसमें बुराई क्या है। स्पेशली गर्ल्स, आपको मेकअप करना ही चाहिए, बट उससे जरूरी होता है मेकअप को हटाना। अब मेकअप अगर आप लगा के बाहर जा रहे हो, आपको लग रहा होगा मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, बट अगर आप उसको लगा के रात को सो जाओ, नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपनी स्किन को ही नहीं पहचान पाओगे। जो मेकअप होता है, अगर आप रात को लगा छोड़ दो तो वो हमारे पोर्स में चला जाता है, और पोर्स को बहुत गंदे ढंग से क्लॉक कर देता है, और वो ब्रेकआउट्स का रीजन बन सकता है, वो भी एक ही रात में। तो जितना जरूरी मेकअप को करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी मेकअप को है हटाना एवरी नाइट बिफोर यू स्लीप। टिप नंबर 6, अपने फेस को बिल्कुल भी टच नहीं करना। अगर आपको ऐसा लगता है आप अपने फेस से ऑयल हटा रहे हो, तो आप बहुत बड़ा मिथ है आपका ये। आप जितनी बार अपने फेस को टच करते हो ना, आप ऑयल, इम्प्योरिटीज, डस्ट अपने फेस पे एक्सपोज करते हो। आपके हाथ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं। आप कहीं भी, जैसे काउंटर पे टच किया आपने, कहीं भी टच किया तो आपके हाथ पे आ जाती है इम्प्योरिटीज, बैक्टीरियाज, और जब आप अपने फेस पे टच करते हो, आप उसको एक्सपोज करते हो अपनी स्किन से, जो कि चला जाता है आपके पोर्स में, और एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है एक्ने ब्रेकआउट्स का भी, और भी बहुत से इन्फेक्शन हो सकते हैं इस रीजन से। तो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अपने फेस को बिल्कुल भी टच नहीं करना।
टिप नंबर 7, फॉलो अ बैलेंस्ड डाइट। जो एक डाइट होती है ना, वो सबसे जरूरी रोल प्ले करती है हमारे स्किन केयर में खासकर। तो आप बाहर से जितनी मर्जी चीजें कर लो, अगर आप एक अच्छा डाइट फॉलो नहीं करोगे ना, तो उसका कोई बेनिफिट होने नहीं वाला, या फिर कहें तो इतना लेट होगा कि आपको रिजल्ट नजर ही नहीं आएगा। तो सबसे जरूरी होता है अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना। आपको कम से कम 8 glasses ऑफ वाटर पर डे लेना ही लेना है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो ही स्किन हाइड्रेटेड रह सकती है और स्किन पे ग्लो नजर आ सकता है। तो ये चीज हो गई ड्रिंक के, आपने वाटर 8 glasses ऑफ ड्रिंक करना है डेली। और साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि वेजीज ज्यादा खाओ, फ्रूट ज्यादा खाओ, कोशिश करो ऑयली और फ्राइड फूड अवॉइड करो। सबसे बड़ा रीजन जो ब्रेकआउट्स का होता है वो फ्राइड और ऑयली फूड ही होता है। जितना ज्यादा नेचुरल फूड लोगे उतना अच्छा है और आपको एक्ने की प्रॉब्लम उतनी ही कम होगी। टिप नंबर 8, सबसे ज्यादा जरूरी होता है नाइट रूटीन, जो कि बहुत से टीनएजर्स स्किप कर देते हैं। आपको कोई लंबा चौड़ा नाइट रूटीन फॉलो नहीं करना, आपको एक बेसिक सा रखना है नाइट रूटीन। सबसे पहले करो फेस वॉश, उसके बाद आप लगा सकते हो एक मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम लगाओ तो और भी बेटर है। उसके बाद आप अपना नॉर्मली लिप बाम लगाओ और फिर जाओ उसके बाद सोने। नाइट रूटीन अगर आप नहीं फॉलो करते तो आपको अपनी स्किन में डिफरेंस नहीं दिखेगा। हमारी जो एक स्किन होती है वो दिन भर में सेल्स शेड करती है। आप जब बाहर जाते हो एनवायरमेंटल डैमेज भी बहुत सा होता है। जो नाइट रिपेयर क्रीम होती है या एक मॉइस्चराइजर होता है नाइट का, वो मेक श्योर करता है जितने भी सेल्स शेड हुए हैं या डैमेज हुए हैं उनको वो रिपेयर करे, आपकी सेल रिन्यूअल का काम करता है। तो कोशिश करो एक नाइट रूटीन फॉलो करो और आपको स्किन में आपकी विजिबली डिफरेंस दिखने लग जाएगा। तो ये थे कुछ ऐसे बेसिक स्किन केयर टिप्स जो हर टीनेजर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। वैसे तो मैं ऑनेस्टली कहूंगा टीनेज में नहीं, बाद में भी स्किन प्रॉब्लम्स कम नहीं होती, बल्कि मेरे हिसाब से तो बढ़ी जाती है। खुद अगर कहूं तो स्किन प्रॉब्लम्स तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक रूटीन है। अगर आप रूटीन फॉलो नहीं करोगे तो स्किन प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। आप ये वीडियो चाहो तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपनी स्किन में, क्या पता उनको ये थोड़ी सी भी हेल्प कर ले। आपका जो भी फेवरेट पार्ट रहा हो इस वीडियो में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मोर देन हैप्पी होंगे आपका रिव्यू देख के, और हमें खुशी होगी ये जान के अगर हमारी इस छोटी सी वीडियो ने आपकी इतनी सी भी हेल्प करी हो। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं हम वीडियो बनाएं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम बहुत जल्दी आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।